नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के फील्ड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू पे, और हमने प्रीवियस टैबलू की वीडियोज में मैंने आपको टैबलू का यूज, टैबलू के इंस्टॉलेशन और टैबलू का बेनिफिट्स के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग द सेट्स एंड कैलकुलेशन इन टैबलू। तो यहाँ पे हमारे पास टैबलू का पब्लिक वर्जन खुला हुआ है, इसमें हमारे पास डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था किस तरह से डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो अभी मुझे डेटा इंपोर्ट करना है एक्सेल से, तो मैं एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करके डेटा पे चला गया और उसको क्लिक किया अपना डेटा को सिलेक्ट करके। तो ऐसे टाइम लगता है डेटा इंपोर्ट करने में। ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ देखिए सीट वन जिसमें हमारा डेटा डाला हुआ है। अब इस सीट वन को, इस सीट वन पे को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू वर्कशीट या न्यू डैशबोर्ड। फिलहाल हम वर्कशीट के बारे में बताते हैं आपको। तो इस पे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है। ये अब मैंने इसको यहां से डिपार्टमेंट को रो में रखा, यहां से इस तरह से डिपार्टमेंट आ जाए, और सैलरी को उठा के मैंने यहाँ रखा। तो यहाँ पे सैलरी का सम दिख रहा है। सम के अलावा कुछ और एवरेज अगर चाहिए तो एक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला डबल क्लिक करके। तो ये तो आपकी समरी हुई, बट हम इसको यूज अलग अलग तरीके से करते हैं इस तरीके से। तो इस पे जितने बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिखता है। तो फिलहाल मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स क्रिएट करने के लिए डिपार्टमेंट पे। तो सेट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, पहले क्रिएटिव बताता हूँ, बताता हूँ क्या होता है। सेट में हम लोग किसी यहाँ इस तरह से उठा उठा कर रखते हैं, वो इजीली हो जाता है, इजीली रहता है। तो मैं डिपार्टमेंट पर राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ एंड क्रिएट सेट। तो उससे क्या होता है फिर कि आपके सामने ये आ जाता है। अब सेट का यहाँ पे नंबर है या जो भी है ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट DIP डिपार्टमेंट। अब यहां पे आता है फ्रॉम द लिस्ट, कि ये सारे जितने भी लिस्ट है वो आपके पूरे लिस्ट आते हैं किसके, इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें कौन कौन से चाहिए, फिल्ट्रेशन के लिए बिजली इस्तेमाल होता है। अब ऑल चाहिए तो ऑल आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपके मतलब कि डिपार्टमेंट में ये सारे डिपार्टमेंट है जिसे देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो जिसका सेट क्रिएट करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कंडीशंस भी है, कंडीशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉप सेल्स, टॉप 10 हुआ, टॉप 20 हुआ, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जनरल टैब पे आते हैं और यहां से मैं यहां पे नल करता हूं। मैं बोलता हूं कि मुझे जो चाहिए वो आईटी का चाहिए। अब आईटी दो दो बार कैपिटल स्मॉल दिया हुआ, ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंस का चाहिए एंड अकाउंटिंग का चाहिए, बाकी हम नहीं चाहते। डिपार्टमेंट
एन ओके कर दो। और जो शेड साहब है ना वो सबसे लास्ट में आपका दिखता है, जो शेड आप दिख रहा है आपको वो सबसे लास्ट में दिखता है। और शेड्स अब इसको उठा के मैं फिल्टर में यहाँ डालूंगा शेड्स को, तो देखिए जो वहां पे हमने कंडीशन लगाया है ना वही यहाँ पे दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। अब मैं इसको राइट इस पे एडिट फिल्टर पे क्लिक करूं तो वापस शेड आ जाता है। तो इसको यहां से अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो आप। शो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर शो के दिखेगा आपको। तो फिल्टर्स में यहाँ पे अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक बार दोबारा मैं रखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सेट को उठाया, सेट जो बनाया हमने डिपार्टमेंट का, हम यहाँ फिल्टर में रख देते हैं यहाँ पे, तो वो फिल्ट्रेशन इस पर अप्लाई हो जाता है। अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके शो फिल्टर करते हैं तो आपको इसमें से भी कोई पर्टिकुलर, मान लो मुझे इस आईटी को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं और ला सकते हैं, ये हो गया। लेकिन अब बात करते हैं इसमें एक और आता है शो इन आउट सेट। तो शो इन आउट सेट मतलब, इन मतलब ये हुआ जो फिल्ट्रेशंस में है, जो कि हमने फिल्टर लगा रखा वो है, और आउट मतलब हुआ कि फिल्ट्रेशंस में नहीं है। तो आप इनको भी चूज कर सकते हो। तो इसको मैंने ओके करके यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे आपके देखिए जो इन आउट दोनों आ गए, फिर इस पर फिल्ट्रेशन अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो फिल्टर अप्लाई करना तो शो फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये होता है आपको इन, ये आपका होता है आउट, इन एंड आउट, ठीक है, इन एंड आउट, ये आपका सामने दिख रहा है। लेकिन अगर ये तो इन आउट हो गया, मतलब कि इन मैं करूँगा तो ये आपके जो डिपार्टमेंट जो हमने यहाँ पे सेट्स में डाल रखे हैं उनके अलावा दिखेगा। अगर मैं इनको रखता हूँ आउट हटाता हूँ तो ये आउट दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ वो सिटीज आ जाए ताकि मैं सेलेक्ट कर सकूँ, तो फिर उस केस में फिर इस पर राइट क्लिक कीजिए, शो मेंबर इन द सेट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके मेंबर्स आ जाएंगे एंड ओके कीजिए। अब यहाँ से हट गया, वापस चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे शो फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ हट जाएगा। उसके बाद देखिए कि आपने बना लिया, आप चाहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करना तो शो मी, यहाँ आपको शो मी दिख रहा है, इस शो मी में आइए और यहाँ से आप अपना ले सकते हैं अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स और बाकी चीजें इस तरह से। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया किसके बारे में, टैबलू के अंदर किसके बारे में, क्रिएटिंग द सेट्स अप्लाई द फिल्टर, कि किस तरीके से आप अपने एनालिसिस पे फिल्टर को अप्लाई करोगे, सेट्स को क्रिएट करोगे। अगले वीडियोज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के बारे में, कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं टैबलू के अंदर। अगर आपको हमारी एडवांस एक्सेल और एमआई सपोर्ट ऑटोमेशन की क्लासेस को ज्वाइन करना है जिसमें सारी चीज़ कवर होती है, तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पर जाएं और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो भी आप DVD हमारी परचेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ ऑनलाइन ले सकते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।